ਤੰਦੂਰ ਜਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਣ ਵੇਖ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਜਣਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪੇ ਇਸ ਤੰਦੂਰ ਚ ਜਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਣ ਸ਼ਾਇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਲਾ ਲਵਾ ਨਿਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਲਾ ਖੁਸ਼ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਪਾਪਨ ਦੇ ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣ ਜਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਆਸ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਦਾ सालन जेना तैयार हो गया रोटियां जेना बेगम साहब हुण जेना बना रहे और सालन जेना तैयार हो गया समझ लो 5 मिनट तैयार हो गया ये अंडे दी भुर्जी नु नहीं सदे के आलू होंगे में कोई समझ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग सुबह बखैर सारे बहन भाइयों जुमा मुबारक और वायरिंग का जाना काम तकरीबन जाना कंप्लीट होया होता सिर्फ एक जोड़ जाना रह गया उस तो बाद जाना पानी जाना चालू हो जाना और बेगम साहब ने घर का काम वगैरह जाना काफ़ी सारा करा ना पे और कुछ काम जाना इन्होंने कंप्लीट कर लिया। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों ने जुमा मुबारक तो मैं जाना कपड़े वगैरह बच्चों ने धो लेन बर्तन धो लेन मुकम्मल पैंप जाना तोड़ तिकर जाना जोड़ वगैरा जाना एक जोड़ जाना लग्या जाना अगला जोड़ जाना लगना नुक्कर कटाई जानी होगी उस बाद इधली आओ वायरिंग जी वाली जी इंज करके पटी जानी उधली साइड वाली जानी वायरिंग बिल्कुल खत्म हो जानी है तो इधली साइड तो जाना सिर्फ रह जानी है क्योंकि वह वाला जोड़ लग जाएगा ना इस पैंप न और सीधा जाना पानी की वायरिंग इंज निकल जाएगी इधली वायरिंग जी वाफिर बच जानी है जी पट लैनी है और आ जी एक इट वाली जी कद आई जी पट लैनी पट के इतने जी दो इटा वाली जी कद बना लैनी है क्योंकि जी बिल्कुल जी सारी खराब होगी पर जी इटा वगैरह सारिया आ रही हैं एक एक इट की पट के इतने बरार आप दो इटा की उसारनी तिना की उन्हें उसारनी है दो इटा की बहुत है हाँ तो आप सारे जी टूटी जी भी पट्टी जानी है दीवार वगैरह जी सारी फिल जी डह जानी है इतने जी दो इटा की जी दीवार वो जी दोबारा जी तमीर कर लैनी है क्योंकि इटा तो जी पूरी फिल जी कोई नहीं आनी क्योंकि फिर भी जितना तिकर जान हो गया ना मजबूत काम जान हो जाएगा फिर जान उप बाजार के टोर लियावे ना तो उन्होंने दीवार वगैरह जी थोड़ी जी उची हो जाएगी फिल आल एक जी दीवार पटनी है ना तो कुछ इटा जी ए पैं कुछ छत के उपर जी 30-40 इट पई है वो चाहनी है चाह जितन तक जी दीवार वगैरह होगी वो जी कर लवेंगे और उधरी साइड तो जाना पैंप पट लिया है जी दो हुक जिस जगह पर खड़िया ने पट लीए ओके सद भावे खड़िया रहा दिया कुंडा जाना साइड ती कर ला थोड़ी ठों कर ला वेखिएगा पैंप बल्कि पैंप नु भर घाट का पैंप नु भर चल बस निकल गए एवं ही पई रहेगी किधरे ना किधरे कम आवेगी वो खाडे की वजह तो इतने जोड़ गुमीजे टूटी जड़ी इनकी खोल के साफ करके रख लें क्योंकि टूटी जड़ी ना 650 रुपए की जी मिली है तो उधरली साइड तो जाना आखिरी जोड़ रह गया वो ला लवेंगे ना फिर जाना पानी का मतलब कि वायरिंग पानी चला जाएगा जोड़ लग जाएगा उधर वाल खोलेंगे तो पानी जाना चला जाना। हाँ जी तो आखिरी जोड़ जाना वह भी ला लिया हूँ चल के जाना सिंक चेक जाना कर लें और जी सिंक जाना चालू हो गया थले जाना बाल्टी रख गया इसमें आके टूटी जाना चली हुई ना हो हूँ जाना पानी वाली वायरिंग का जाना कोई हिसाब किताब लाने पैंप वगैरह जाना ये हथे जाना लाना पैना थलो दी लगना ना इंज करके इतने इनकी इतनी जाली भी आनी तो दूसरे जेड़ना पत्ते जे जेड़ना भी पैने वाले जाली तो इनकी मैंने किधरे जेड़ना डेग दी होनी क्योंकि पई जेड़ना फिलहाल कोई नहीं है
ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾ ਦੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਲੀ ਨਾਲੇ ਕਸੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ हाँ थले बाल्टी रखी है करी और जी जाली जी मिल गई है जाली जी उपली साइड से जी कसती है हूँ जी टेंशन कोई नहीं वैसे पैंप कसीना ही कोई नहीं आते अगर वेस्ट पैंप लग गया ना कामयाब हो गया फिर समझ लो कि सारी टेंशन खत्म अद्धी टेंशन तो खत्म हो गई ने होना क्योंकि हम सालन जाना बनाना होंगे ना क्यों क्या मसाला वगैरह जो कुतरना थोड़ा बहुत इतने ही नाल ही जो दो लिया तो सालन वास्ते पानी चाहिए हो तो इतू जाना लै लिया क्योंकि उधर जाना नलके तो जाना पैंता हाँ आलू पे आता अपना थोड़ा बहुत आलू पा दो एक अद्धा ब्रेक जहाँ चलो ठीक और जी आंडा जैन एक लैन का प्याज टमाटर जैन कुतरिया थोड़ी बहुत जैन मराई टैप बन जाएगी और रोटी जैन खा लवेंगे ठीक हो गया अस भी जैन उन्होंने दीवार का काम जैन शुरू करवा वह एक किट वाली वो पट के एरा जैन दो दो इटा का जैन कर लें हाँ चलो ठीक हो गया मुर्ग चने बनाओ आज मुर्गे तो बगैर मुर्ग चने हाँ क्योंकि एरा जेड़ा ना ये निकल जाएगा ना समझो कि टेंशन वगैरह जी ना खत्म होगी एरा जेड़ा ना इस एरे के बराबर तिकर जेड़ा उम्मीद है जेड़ा उसर जाएगा अदला नाल दा क्योंकि ये तो जेड़ा तिना इटा का जेड़ा एरा उसारिया ना अदला जेड़ा अगला सिर्फ दो इटा का जेड़ा एरा तोड़ तिकर जेड़ा उसारना ये उसर जाएगा फिर इंशाल्लाह जेड़ा जो नवी इटा लैन दी तकरीबन 2000 ना जेड़ा उपली साइड दी को थोड़ा बहुत जेड़ा इधरों वो लाओ जाएगा फिर जेड़ा उसका जेड़ा करांगे आहिस्ता आहिस्ता जेड़ा इंशाल्लाह दीवार जेड़ा कंप्लीट हो जाएगी हाँ जी तो सालन जेड़ा तैयार हो गया रोटियां जेड़ा बेगम साहब हूँ जेड़ा बना रहे और सालन जेड़ा तैयार हो गया तो समझ लो कि 5 मिनट में तैयार हो गया ये अंडे की बुरजी नू नहीं सदे कि आलू होंगे मेरे कोई समझ नहीं है लेकिन जेड़ा बन गई है ना आलू महाराज लेकिन आलू महाराज कह रहे अंडा महाराज लेकिन बहुत ज्यादा जेड़ा खुशबू तो आ रही है अंडे की लेकिन टेस्ट भी होगी नहीं टेस्ट ही बनेंगे कोई नहीं खाने से लेकिन हमने समझ लो कि दोपहर तक हम खा लो चलो चने जेड़े रोटियां बना के बेक जेड़े रख दो और अलीमा सादी जेड़े निजा फातमा की चप्पल लेके उत्ते दे देगी दे देगी चप्पल लेनी हूं चप्पल तेरी हो गई ठीक है एला उन्हें पैसे देते ने अपन लो जी उन्हें नाराज हुई खड़ी है हूं चप्पल लेके ये दो जनिया ने और इन्हें नाल दी चप्पल और साढ़े को ही कोई तो उन्हें वेख के शौक ना पाई हुई है हाँ सीधी पाई सो चल लै देना नाराज ना हो नाराज ना हो पुत्र उन्हें लै देना मैं आज बेटी नु नवी चप्पल लैके देवगा यही लेनी है ला निजा अलीमा सादी दे दे बाजी ने चप्पल इत तू पीढ़ी तो बह जा ते चप्पल जी बाजी ने दे दे और ले ऐ भी दे दे ऐ भी दे दे हूं इन्हें भी नाराज होना है ऐ दे दे आ साफ करके लिया दें दो के साफ करके लिया दें हालत वेख इन्हें अपनी की बनाई सुबह सुबह आ ले ला तू इन्हें ना खेल ला हूं ठीक है हूं खुश है हूं पैरी पा ला इनू पैरी पा ला दोनी नहीं है पैरी पा खराब कोई नहीं हुई है और जी इंशाल्लाह रोटी जी ना खा लीए फिर जी काम काफी सारा सारा पहले जी दीवार जी खटने खट के एक किट बाहर कड़ने उस बाद जी नवी दीवार उसारने जी शुरू कर लेंगे हाँ जी तो अलहमदुल्ला रोटी खा ली है बाकी भाई बरार ही जेना काम काफ़ी सारा जेना की खड़े ने इधरी साइड तू जेना सी एरा जेना कढ़ना और इटा जी नाल एक एक जेने सारी इट जी असी पट लेनी तो नवी जेने इतने दो इटा की दीवार जेना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अजो जेना जुमे तो बाद जुमे तो पहले पहले जेना दीवार आला एरा वगैरह जेने कंप्लीट कर लवान क्योंकि इतों जे नुक्कर तो ही है ज़्यादा मिट्टी अगे जेना मिट्टी वगैरह जेना बिल्कुल कोई नहीं इन्नी ज़्यादा बस नलके तो ही वो भी थोड़ी मिट्टी आ तो जुमे तो पहले इंशाल्लाह जाना एरा जेना एक कर लेने तो जुमे तो बाद जाना उम्मीद है इंशाल्लाह शाम तक जाने दीवार जेना उसार लवेंगे क्योंकि गारा वगैरह जो ठीक बनेगा क्योंकि मिट्टी जेना पहले ना जेना बरीक आ एवं ना इबरार भाई हाँ गारा इन ठीक बनेगा
और जी मिट्टी बाद बची अगली साइड जी बर्फ वगैरह जी ये दे लवेंगे हूँ तक जो समझ लो कि असी एरा खट लेना एरा खट्टन बाद जाना दीवार उसारनी शुरू की हुई होनी है लेकिन सानू जाना तकरीबन 1.5-2 घंटे जाना उधर सिंह कल जाना लग जाए और बरार भाई जाना चले गए घंटे तिकर जाना मैंने उन्नी देर तिकरना दीवार जाना ये पट लेना उतली मुरो वाली मिट्टी वगैरह जाना फ्रंट जाना कुछ कर लेनी है पर यार दिन जा फातिमा इधर नहीं आना जहरीले भी काफी सारे क्योंकि इतों जो हम दीवार वगैरह जी ना उसर जाएगी ना तो इस वाग जिमें इधरों दीवार उसरी हुई आ डैम पे इन्हों का जेड़ना अच्छा लग जाएगा क्योंकि इधरों एक एक इट आई तो उनके उपर जो तेगा लग जाए डैम भी अच्छा कोई नहीं लगना लेकिन हूँ जो दस्ती दीवार वगैरह इधर उसर जाएगी ना तो काम जेड़ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि बाद जेड़ना दीवार वगैरह पटता तो डैम्प वगैरह हले आ लेकिन डैम्प मंट पहले पहले दीवार जी इधर पा लेना ताकि डैम्प आ जा सके फिर टेंशन वगैरह जी कोई नहीं फिर काम जाना करना तो है जिते दीवार जेड़ना परली साइड जितर तक मिट्टी जेड़ चमी हुई सारी जेड़ना डेग ले भाई बरार भी जेड़ना आ गए मैं तक जेड़ना 1.5 घंटे तक जेड़ना आएंगे लेकिन अद्धे घंटे जेड़ना वापस आ गए और दीवार डेगी मैं भी जेड़ दूसरी कही लेना और परली साइड तो जेड़ना कटाई वगैरह जेड़ शुरू करना बल्कि जेड़ना कही जेड़ मिलनी कोई नहीं चलो कोई 10 मिनट जेड़ कर दें फिर जेड़ मैं कटा और दीवार भी जेड़ इटा वगैरह जेड़ उन्नी देर तक जेड़ साफ कर लें जेड़ पहले इटा कटियां इन्होंने जेड़ साफ करके रख लेंगे हाँ जी तो इटा जी मैं तकरीबन जी कुछ साफ जी की खड़ा मैं नाल के नाल जी इटा साफ की जावे ना तो दूसरिया जी पट के फिर जान अगे एरा जेड़ा इन्होंने निकल जाएगा फिर इंशाला जेड़ उत्ते ओला करा वाली जगह जी रह जानी है वह भी इंशाला एक ना एक दिन हो जाएगा क्योंकि थले जेड़ना एरा जेड़ना ही मजबूत करना जरूरी है क्योंकि इतने जेड़ा ने एक किटता वह भी जेड़ना सारा टोटल जेड़ा कड़क मार गया टेढ़ मार गया काफ़ी सारा मैं आख दीवार वगैरह एक बार जी अच्छी वाली जी बना लेने और ये वाली जी साफ सफाई हो जाएगी ना फिर टेंशन ये साफ करके उधरों जी फिर और पट लेना वह भी जी सर्दियों ना साफ कर लवेंगे वो मेहनत है इंशाला अं शाम तक जी दीवार उतार लवेंगे हाँ जी तो काम असी भी जाना तकरीबन कंप्लीट की खोते हैं इतने जाना तला जाना निकल आया मैं इटा जी पट रहा हाँ और चाय जी ने भाई बरार आ गई आ जाओ चाय पी ली आज हाँ रोटी जी बना लेने और जी हाथ जी धो ली सारे पहले जी रोटी रोटी कह रहे हैं रोटी तो खा ली है चाय जी ने यह पी ली है जी तो मैं भी
ਬਹਿਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆਵੇਗਾ ਛੇ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਵਿਕਿਆ ਕੱਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਤੰਦੂਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪੇ ਇਸ ਤੰਦੂਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐ ਲੈ ਲੈ ਨਿਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐ ਲੈ ਖੁਸ਼ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਪਾਪਨ ਦੇ ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਆਸ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਾਹ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਰਕਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਹਾਂ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੁਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਹੁਣ ਨਿਜਾਬ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਣਗੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰੀ ਵਿਕਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਰ ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਨ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਪਾ ਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਲਟੇ ਪਾ ਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕੇ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੋਂ ਅਟ ਕੇ ਆਣਾ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਗਏ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਖੁੱਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰਨੀ ਆ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਟਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਡੂੰਗੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਸੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਹੋ ਜਾਸੀ ਨੁਮਾਨ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਨੁਮਾਨ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋ ਬਣਵਾਣਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਣਾ ਔਰ ਨੁਮਾਨ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਪਰ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਐਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਹ ਇੰਦਰ ਹੱਥ ਕਰ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਨੀਆਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਸਹਿਕ ਕੇ ਕਿੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾਉ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਆ ਮਨਾ ਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਮਨੇ ਆ ਇਬਰਾਰ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
और जी इटा जेड़ना उधरी साइड तो जेड़ना साफ जेड़ना कर रहे थे और इधरों जेड़ निकल आया सप्प ख्याल ना यार और ये भी काफी सारा है भी बड़ा है और मिट्टी ले जेड़ना चल जा रहे ख्याल ना ख्याल नहीं पर और डिग गए फिर बड़ा तेज है हां ये गडोवा आंदा गडोवा नहीं नहीं सांप का बच्चा है गडोवा नहीं है ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਚਲ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਆਨੇ ਆ ਬੜਾ ਸਪੀਡ ਹੈ ਚੇਬਰਾਰ ਅੱਛਾ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਫ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤਿਆਤ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਲਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸਨੈਕਸ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना ढेर सारा ख्याल रखे जी दुआवां च याद रखे जी इन्हां दुआवां दे नाल ते हुई इजाजत अल्लाह हाफिज़।